ये सांप शायद इस कॉन्टिनेंट पर सबसे बदनाम है, लेकिन इनकी बदनामी जैसे इनसे भी आगे आगे चलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अफ्रीका में किसी भी हरे सांप को ग्रीन मांबा मान लिया जाता है, और उससे फायदा होता है छोटे छोटे विषहीन बुश स्नेक्स को। तो किसी जानलेवा प्रजाति जैसे दिखने के भी अपने फायदे हैं। दुश्मन इनके इर्द गिर्द नहीं भटकते, और इंसान वो तो हर हरी चीज से घबराते हैं। किसी बुश स्नेक के काटने से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन मांबा के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। ये बहुत खतरनाक सांप हैं। क्यों? क्योंकि इनका दमदार न्यूरोटॉक्सिक वेनम तो उड़ते हुए परिंदों को भी टपका देता है। किसी इंसान को अगर ये सांप काट ले तो एक घंटे में मौत पक्की है। तो जहर वाले और बिना जहर वाले सांपों में फर्क कैसे करें? पहले ये देखें कि आप कहां हैं। अफ्रीका में ग्रीन मांबा की 3 प्रजातियां मिलती हैं। ईस्टर्न ग्रीन मांबा सिर्फ इन तट रेखाओं के आसपास मिलता है, जैमिसन सेंट्रल अफ्रीका में, और वेस्ट अफ्रीकन ग्रीन मांबा सिर्फ यहां पाया जाता है। उसके बाद मांबास को पहचानिए। ईस्टर्न स्पीसीज हल्की हरी होती है और इस पर पीले स्केल्स होते हैं, जबकि जैमिसन और वेस्टर्न अफ्रीकन ग्रीन मांबास धब्बेदार और धुंधले रंग के, और इनके स्केल्स के छोर काले होते हैं। इनकी तो लंबाई भी 2.5 मीटर से ज्यादा हो सकती है। इतने फुर्तीले कि पेड़ों की चोटियों पर उड़ते हुए से लगते हैं। कहते हैं कि ये नीचे चल रहे शिकार पर हमला करने के लिए पेड़ों से छलांग लगा देते हैं। तो अगर आप ग्रीन मांबा के इलाके में रहते हैं तो सावधान रहें। ये पेड़ों पर बैठे सिर्फ नजर रखते हैं। ये शर्मीले जीव हैं, खुद को छुपाए रहते हैं और पेड़ों की चोटियों पर रहते हुए खुद में ही मस्त रहते हैं।